अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दबाएं बेल आइकन ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक यूं ही पहुंचता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिलोसफर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। दोस्तों, इस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा ऐसा एक्ट पहली बार लाया गया था, इसलिए इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट पड़ा। आइए अब जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कुछ मेन बातें। पहली बात तो यही जो मैंने अभी आपको बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट अपने तरह का पहला ऐसा एक्ट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल में रखने के लिए और सही ढंग से चलाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा लाया गया था। दूसरी बात ये कि रेगुलेटिंग एक्ट को के माध्यम से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने औपचारिक तौर पर कंपनी को राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए कुछ शक्तियाँ दी। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का सेंट्रलाइजेशन भी कर दिया गया, जिसमें कि पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। अब जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ मुख्य बातें और मुख्य प्रावधानों के बारे में। सबसे पहले, इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि दे दी गई और उस वक्त के गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। और इसके साथ ही इन चार सदस्यों को एक ही एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जो गवर्नर जनरल को सहायक के रूप में कार्य करते थे। इसी एक्ट के द्वारा बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर को अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यह सत्ता को केंद्रित करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत द्वारा पहला कानूनी प्रयास था, ऐसा कह सकते हैं। इस एक्ट के साथ ही हिंदुस्तान में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सन 1974 में किया गया, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश भी हुआ करते थे। इस एक्ट के द्वारा ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि कंपनी के मुख्य अधिकारी हुआ करते थे, उनको ये आदेश दिया गया कि वो कंपनी के राजस्व और सैन्य और पब्लिक कार्यों की समीक्षा की रिपोर्ट समय समय पर ब्रिटिश सरकार को भेजते रहें। इस प्रोविज़न का एक उद्देश्य यह भी था कि ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी बराबर उसके ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में बनी रहे। इस एक्ट में एक प्रोविज़न यह भी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी अब किसी भी गैर सरकारी कामों में संलिप्त नहीं होंगे और किसी भी नागरिक से किसी भी तरह के घूस का मांग नहीं करेंगे किसी भी कार्य को करने के लिए। तो कुल मिला के ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जो लंदन से चलती थी इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको रेगुलेट करने के लिए पहली बार कानूनी रूप से ऐसा प्रावधान लाया गया था 1973 में। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में वीडियो अच्छा लगा तो भी और वीडियो ख़राब लगा तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, ताकि नए सुधार के साथ आपके लिए हम ऐसे ही नई एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।